भाइयों को दीपक शर्मा की तरफ से राम राम नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल धरती पुत्र किसान पे। जो भी भाई चैनल पे पहली बार वीडियो को देख पा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो राजवीर अंकल जी के यहाँ से कवर कर रहे हैं। इनका जो गाँव है वो खातला तहसील सफीदो जो जिला जींद के अंतर्गत आता है। पहले भी जो काफ़ी सारी वीडियो आप भाइयों ने चैनल के माध्यम से जो देखी हैं और हर बार जो अच्छे से अच्छा जो पशुधन है और बिल्कुल साफ सुथरी इन्फॉर्मेशन के साथ इन्होंने जो दिखाया है, आज भी एक जो भैंस है जो जोटी है वो दिखाएंगे। आगे जो जानकारी है वो इनसे लेंगे। उससे पहले मैं दोबारा से कहना चाहूँगा जो भी भाई वीडियो को चैनल पर पहली बार देख पा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं एक बार पशुधन को नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, तो देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी और फेस की बनावट आप देखें, बिल्कुल रिंग सींग है और छोटा सींग है फेस पे जमता हुआ। और पीछे से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं अभी ताज़ा ही जो ब्याया हुआ पशुधन है और ऊपर से देखें आप पुट्ठा है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और साथ में जो साथ में इसके वो फीमेल काफ है। आगे की जो जानकारी है वो अंकल जी से ले लेते हैं। तो अंकल जी नमस्कार, क्या हाल चाल है जी? और काम कैसा चल रहा है? वीडियो काफी दिन बाद बनवाई है। ऐसे गर्मी के कारण काम लग रहे थे जी, जारी लगा। अच्छा, अब काम फ्री हो? बिल्कुल ठीक है जी। तो आज एक ही चोटी है, बताएं क्या कुछ जानकारी है? दूसरे ब्यात में है, कल ही ब्याई है जी। ठीक है जी, तो कल ब्याई है, अपने घर की है या लेके आए थे? पिछले बार अपने ही पास थी। क्या कुछ दूध दिया था पिछले बार? 16 किलो दूध दिया था। पिछली बार 16 लीटर दूध, 16 किलो जो दूध इसने निकाला था पहले ही ब्यात में, जो 16 लीटर दूध इसने जो दिया था, अब की बार दूसरी बार जो इसने बच्चा दिया, अब की बार क्या कुछ उम्मीद करते हैं? 18 से ऊपर। ठीक है जी, तो घर की पाली हुई है? अच्छा, तो कटड़ी आपने खरीदी थी फिर इसको जो तैयार किया और फिर इसने जो घर पे बच्चे को जन्म दिया था और 16 लीटर दूध बताया अंकल जी ने कि इसने निकाला था। और अगर मैं अटर की बात करूं तो देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है और स्वभाव है जो इसका बिल्कुल शांत स्वभाव है थोड़ा सा जो बच्चे के लिए। तो अंकल जी ये बताएं क्या कुछ रेट इसका जो आपने रखा है? रेट तो दूध के हिसाब से बताते रहेंगे, बहुत दरेगा बताते रहेंगे। अच्छा, दूध के हिसाब से खीस में ही है अभी? क्या क्या रेट अगर कोई भाई अभी मौके पे करेंगे रेट? मौके पे करेंगे, ठीक है जी। तो रेट है जो मौके पे करेंगे। और एक बार थोड़ा सा खोल लें और चला के जरूर दिखाएं। तो एक बार मैं आप भाइयों को चला के भी इसका जो पूरा स्वभाव है जो इसका व्यक्तित्व है वो मैं दिखाना चाहूँगा, तो देख सकते हैं अड्डर है बिल्कुल साफ सुथरा। थोड़ी सी जो बाई है वो ज़रूर आई हुई है क्योंकि ताज़ी जो भी आई हुई है भाई इस वजह से आई हुई है। अंकल थोड़ा उधर लेके जाओ, तो देख सकते हैं भाई हाइट लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बाकी कोई भाई लेने वाला होगा वो मौके पे आके अपनी तसल्ली से इसको खरीद सकता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा जो पशुधन है। और आगे जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं आप भाइयों को जो पूछेंगे अंकल जी से, साथ में इसके फीमेल ये कौन से सीमन की है जी? कोई नूर की? तो कोई नूर नंबर और बताएं। 96711 27 पूरा 400। तो ये आपके संपर्क सूत्र हैं और राजवीर जी जो अंकल जी का नाम है। तो देख सकते हैं पशुधन आप भाइयों को, एक बार थोड़ा सा और लेके जाएं। तो ये देखें भाई आप बिल्कुल वीडियो के माध्यम से साफ सुथरे तरीके से देख सकते हैं जो पशुधन है। कोई भी भाई ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। और ये देखें पशुधन बिल्कुल साफ सुथरा और साथ में जो कोहिनूर की जो फीमेल काफ है कल ही इसने जेर वगैरह अंकल जी डाल दी थी ना? ठीक है जी, ठीक है जी। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद।